अरे भाइयों, इस सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री सत्यनारायण पटेल जी, श्री रुद्र रमन सिंह जी, श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, श्री गौरव चंद्र जी, श्री त्रिलोचन चंद जी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी बोलती हूँ और इंतजार नहीं कराऊंगी। पहले मुझे बताइए कि आप में से नौजवान कितने हैं? आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? किसी को नहीं? अरे एक तो होगा, एक तो होगा जिसको सरकारी रोजगार मिला। नहीं? अच्छा, तो 5 सालों में महंगाई घटी है क्या? नहीं घटी। किसान कितने? ये जो छुट्टा जानवर वाला जो वाली जो समस्या है, इसको सुलझाने का काम हुआ? नहीं हुआ। आपको खाद समय पे मिलती है? फसल का दाम मिलता है सही? नहीं मिलता। बहने, महंगाई से आप जो महंगाई है उसकी वजह से क्या आपको जो गैस सिलेंडर मिला उसको दोबारा आप भर सकती हैं? तो अच्छी परिस्थितियां मतलब विकास बहुत आया यूपी में। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कुछ दिनों पहले आए थे, कह रहे थे यूपी में लखपति भर दिए उन्होंने, सबको लखपति बना दिया। आपको बनाया लखपति? देखिए, यूपी के हर जिले में घूम आई हूँ मैं, लखपति ढूंढ ढूंढ कर थक गई। टीवी ऑन करती हूँ तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी के पास मंच पे खड़े हुए लखपति जरूर मिलते हैं मुझे, लेकिन गांव में कोई लखपति नहीं मिल रहा, शहरों में कोई लखपति नहीं मिल रहा। जिनसे मिलती हूँ कहते हैं कि उनका जो बिजनेस है, उनकी का जो कारोबार है वो कम हुआ है। किसानों से मिलती हूँ, किसान बताते हैं कि बहुत मुश्किल में है, परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। महिलाओं से मिलती हूँ, मेरी बहनें बताती हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, संभाल नहीं पा रही है। तो परिस्थिति कुछ है, असलियत कुछ है, विज्ञापनों में कुछ और बताया जा रहा है, भाजपा के नेता कुछ और कह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चुनाव के समय जितने भी नेता आपके सामने आ रहे हैं वो विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि आपके छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कि आप किसान हैं, आपकी उपज का दाम, आपकी फसल का दाम सही देने का क्या कि क्या योजना है। अगर आप छोटे दुकानदार हैं तो ये नहीं बता रहे हैं कि कोरोना में भी आपने बड़ी बड़ी बिजली की बिल भरी, उसके बारे में उनकी क्या योजना है। ये नहीं कह रहे कि GST, नोटबंदी, कोरोना के लॉकडाउन से आपका इतना नुकसान हुआ तो आपको किस तरह से मदद कर रहे हैं, ये बातें नहीं हो रही हैं। बातें क्या हो रही हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बातें हो रही हैं कि कौन आतंकवादी है, बाकी दलों को आतंकवादी कह रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। धर्म की बातें हो रही हैं, कोई कहता है धर्म के आधार पर वोट दे दो, कोई कहता है जाति के आधार पर वोट दे दो। तो क्यों हो रहा है ये सब? आपने कभी सोचा है कि नेता चुनाव के समय आपके सामने आकर आतंकवादी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है? अरे भाई, आप अपने बिल नहीं भर पा रहे हो, रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हो, किसान रात को चौकीदारी कर रहा है अपने खेतों का, कि इसकी क्यों नहीं बात हो रही है? ये आतंकवादियों की बातों से क्या पेट भरेंगे आपके? आपके जीवन में आतंकवादी आतंक कर रहा है
या छुट्टा जानवर आतंक कर रहा है? छुट्टा जानवर महंगाई आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? बेरोजगारी आतंक कर रही है कि आतंकवादी आतंक कर रहा है? अरे ये आतंकवादी है कहां उत्तर प्रदेश में, जिनके बारे में रोज सुबह से शाम तक ये लोग बात करते हैं? कहां है? जो आतंक है, जो आतंक है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार है, इसकी बात क्यों नहीं हो रही है चुनाव में? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कुछ कहने का नहीं है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इस पे ये लोग ध्यान देते ही नहीं है। आपने आदत बना दी है, आपने आदत बना दी है कि जो भी नेता आए, जिस राजनीतिक दल का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, उसको आदत बन गई है कि 5 सालों में आपके सामने आकर आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेगा, धर्म की बात करेगा, किसी एक धर्म को कह देगा भाई तुम बड़े असुरक्षित हो, तुम्हें ध्यान रखना है, मैं तुम्हारी सुरक्षा कराऊंगा। कोई कह देगा कि जाति के आधार पर वोट दे दो, तुम्हारी जाति को आगे बढ़ाएंगे। तो सबको मालूम है कि जज्बात का इस्तेमाल करके चुनाव के समय वोट धड़ाधड़ मिल जाएंगे, तो भैया वो तुम्हारे लिए काम क्यों करेंगे? काम का तो आप पूछते नहीं है उन्हें, सही है? आप तो उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि हमारे हालात इतने बिगाड़ कैसे दिए आपने? क्या 5-10 साल पहले यूपी की जनता की ये परिस्थिति थी कि सरकार एक बोरा राशन भेजती थी और जनता उसके लिए इंतजार करती रहती थी? क्या ये परिस्थिति थी? क्या गांव में आपको रोजगार नहीं मिलता था? मनरेगा में मिलता था ना, कि आप उस बोरे राशन का इंतजार करते थे? अब तो परिस्थितियां इन्होंने ऐसी बना दी है कि कह देते कि खाता खोलिए, पैसे भेज देंगे, जब जी चाहे, जब चुनाव आने वाला है तो 2-4 पैसे भेज दिए, जब चुनाव आने वाला है तो बोल दिया राशन के बोरे फ्री में मिल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं, जब चुनाव आ रहा है तो तमाम मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव चले जाता है तो ना राशन मिलता है आपको, और वो पैसे जो आपके खाते में वो भेजते हैं चुनाव के समय, वो भी आस्ते आस्ते रुक जाते हैं। और क्या है ये राशन, क्या है ये पैसे, क्या है ये? इससे आत्मनिर्भर बनने वाले हो? अपने बच्चों को मेहनत से, अपने खून पसीने से बड़ा इसलिए करते हो कि पूरे जीवन वो राशन के बोरे का इंतजार करें? इसलिए बड़ा करते हो क्यों बहने? इसलिए परवरिश करते हो कि आपकी तरह इंतजार करेंगे और जब राशन का बोरा आ जाएगा तो बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे सरकार को कि आपने चलो हमें एक राशन का बोरा दे दिया, सरकार का काम नहीं है ये। मैं कह नहीं, ये नहीं कह रही हूं कि बुरी बात है, अच्छी बात है, राशन दीजिए, लेकिन आत्मनिर्भर करने के लिए, जनता को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए क्या कर रहे हो? इन नौजवानों को जिन्होंने हाथ उठाया, जो बेरोजगार पड़े हैं, इनके भविष्य बनाने के लिए क्या कर रहे हो? इनके साथ आप आतंकवाद की बात करोगे? अरे भविष्य की बात करो। चर्बी निकालने की बात हो रही है, गर्मी निकालने की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, भर्ती निकालने की बात करो। सरकारी रोजगार पड़े हुए हैं। किसने भरे? मोदी जी ने भरे? योगी जी ने भरे? अरे मोदी जी तो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की समस्या है। कांग्रेस के नेता पिछले 3 सालों से चीख रहे, चिल्ला रहे हर मंच से कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। 2019 के चुनाव में मैं खुद बोल रही थी इसको सुलझाना है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, क्या किया उस सरकार ने? भूपेश बघेल जी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनको पता चला ये बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने लोगों को कहा, देखिए आप छुट्टे जानवर को अपने घर में रखिए, उसका देखभाल करिए, सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। लोग हंसने लग गए,
कहा सरकार गोबर खरीद के क्या करेगी भाई? उन्होंने कहा गोबर खरीद के हम स्वयं सहायता समूह को देंगे, इस गोबर का इस्तेमाल गोबर गैस को बनाने के लिए करेंगे और इस गोबर में हम वर्मी कंपोस्टिंग कराएंगे ताकि अच्छी अच्छी खाद बने। तो सरकार गोबर का इस्तेमाल कर रही है, जो छुट्टा जानवर की देखभाल कर रहा है उसको 2 रुपए हर गोबर 2 रुपए किलो गोबर के लिए मिल रहे हैं। सब खुश है, छुट्टा जानवर की देखभाल हो रही है और छुट्टा नहीं रहा, समस्या हल हो गई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को मालूम था कि किसान बहुत परेशान है, बहुत समस्याएं हैं। शपथ ली उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने, 3 घंटों के अंदर अंदर किसान के कर्ज माफ होने लग गए। और यहाँ आपके मुख्यमंत्री हैं जो बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं लेकिन आपकी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नहीं कहा। उल्टा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी मेरे संज्ञान में ये बात आई है। आप तो सालों से त्रस्त हैं, सालों से खेतों में बैठ के आप चौकीदारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं है। भाई कैसे नहीं मालूम, उनको तो सब चीज का संज्ञान होगा, वो तो दुनिया भर में घूम आए, उनके तो 2 बड़े बड़े हवाई जहाज हैं 16,000 करोड़ के, आपके गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ का है। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ? वो 2 हवाई जहाज खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, उन्हें नहीं मालूम कि आपकी क्या समस्या है क्या नहीं है। समय आता है तो यहाँ आके आतंकवादियों की बात करते हैं लेकिन जो सच्चा आतंक है आपके जीवन में उसके बारे में उनको संज्ञान ही नहीं है, खुद कह रहे हैं। और शायद शायद और शायद सुन ली और शायद शायद हो सकता है कि उनको ये भी संज्ञान नहीं था कि 1 साल से पूरे देश भर का किसान बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ आंदोलन कर रहा है। हो सकता है ये भी उनके संज्ञान में नहीं था, क्योंकि जब किसान आंदोलन कर रहा था और जब प्रधानमंत्री जी और उनकी भाजपा की सरकार ऐसे कानून ला रही थी जिससे किसान करे मेहनत, किसान का खून पसीना बहे और कमाई करे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, ये कानून लाने वाले थे, उनको ये नहीं मालूम होगा कि शायद पूरे किसान, देश भर के किसान परेशान है, उनको ये कानून नहीं चाहिए। इसीलिए जब किसान आंदोलन कर रहा था तो अपने घर से निकले ही नहीं पूछने के लिए कि आपके हालात क्या हैं। 700 किसान शहीद हुए, क्या प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं था? क्या योगी जी को पता नहीं था कि तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हुए हैं आंदोलन में, परेशान है, भय हो रहा है उनको कि ये कानून आएंगे तो उनकी रोजी रोटी खत्म होगी? शायद उनको संज्ञान नहीं था। शायद उनको ये भी संज्ञान नहीं है कि आपकी बिजली की बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है। हो सकता है उनको ये भी संज्ञान नहीं है कि कोरोना में लॉकडाउन हुआ और आपको फिर भी बिजली के बिल भरने पड़े। तो जब उनको संज्ञान ही नहीं है तो आपकी समस्याओं को हल कैसे करेंगे? हम करेंगे। लेकिन उनको इस बात का संज्ञान है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, उनको इस बात का संज्ञान है कि कौन से धर्म को किस धर्म से लड़ाकर वोट मिलेगा, इस बात का संज्ञान है। और सारी पार्टियां जितनी भी राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश में, वही वो सब उसी बिसात पर खेल रही हैं, सब की सब। जब आपको संकट हुआ, आपने संघर्ष किया, जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जब किसान ने आंदोलन किया, जब तमाम महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जब रोजगार के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा करके नाराज थे कि उनकी परीक्षा रद्द हो गई और वो आंदोलन कर रहे थे, तो कहाँ थी ये पार्टियां, कहाँ थी ये पार्टियां? अखिलेश यादव जी निकले अपने घर से, यही लखनऊ में बैठे रहे, वो भी नहीं निकले, किसके घर गए? क्या आपके छुट्टे जानवर की समस्या के बारे में आपसे पूछने आते हैं? मायावती जी कहाँ थी? निकले ही अपने घर से? नहीं निकली, एक ट्वीट कर लिया, बात खत्म। तो क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? आपका प्रदेश ना, आपके प्रदेश में इतना हुनर है,
इतना हुनर है कि आपके प्रदेश के नौजवान पूरी पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश में नौकरी कर सकते हैं। आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान है, पूरे देश में सबसे ज्यादा ये ऊर्जा है नौजवानों की। और ये नहीं है भाई साहब कि आजकल नौजवान पढ़ा लिखा नहीं है। आजकल गरीब से गरीब परिवार में मैं जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, सबसे पहले मुझे बताते हैं कि मेहनत किया है हमने, अपने बच्चों को पढ़ाया है। यहीं वाल्मीकि बस्ती में गई, तमाम पढ़े लिखे नौजवान, लड़कियां लड़के, कोई ITI, कोई MA, कोई BA, रोजगार नहीं है। सबसे ज्यादा हुनर यहाँ, सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ, क्वालिफाइड नौजवान यहाँ। इतनी बढ़िया खेती हो सकती है यहाँ, जमीन अच्छी है आपकी, उपज है इसमें, लेकिन आपके आपका प्रदेश इस परिस्थिति में है। और क्यों? क्योंकि 30 सालों से जिनको आप चुनते जा रहे हैं, बसपा, सपा, भाजपा, सब नेता समझ गए हैं कि आपके जज्बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब समझ गए हैं कि आप सही सवाल नहीं पूछेंगे। और एक और बात समझ गए हैं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये समझ गए हैं कि आपको गरीब रख के, आपको इस परिस्थिति में रख के, आपको उन पर निर्भर करके आपका इस्तेमाल हो सकता है। सब जानते हैं कि जब इस देश और इस प्रदेश के नौजवान शिक्षित हो जाएंगे, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जब महिलाएं सशक्त हो जाएंगी, तो सवाल उठाना शुरू करेंगे। सब जानते हैं कि वो ऐसी राजनीति मांगेंगे जो विकास की राजनीति हो, जो उनके लिए समर्पित हो। सब जानते हैं, इसीलिए आपको इन परिस्थितियों में रखा है। इसीलिए आपको जब ये एक बोरा राशन देते हैं, आपको कहते हैं कि आप पे बड़ा एहसान कर दिया है। कौन सा एहसान किया है, कौन सा एहसान किया है? इस संविधान में, इस देश के संविधान में आपके हक लिखे हुए हैं। इस देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिस नेता को नेता आप बनाते हो, उसका काम है आपके लिए समर्पित होना, उसका धर्म है आपकी सेवा करना। इस एक बोरे राशन से ये 1000-2000 रुपए जो आपके खाते में डाले जाते हैं, इससे इनकी जिम्मेदारी शुरू भी नहीं होती। खत्म होने की बात छोड़ दीजिए, शुरू भी नहीं होती इनकी जिम्मेदारी। इनकी जिम्मेदारी मैं बताती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमारी जिम्मेदारी, हर नेता की जिम्मेदारी, हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी, हर सरकार की जिम्मेदारी ये है कि आपको रोजगार देना है, आपके लिए महंगाई को घटाना है, आपके लिए सेहत की सुविधाएं बनानी है, आपके लिए शिक्षा की सुविधाएं बनानी है, आपको अपने पैरों पे खड़ा करना है, आपको शिक्षित करना है, आपको सशक्त करना है, आपको सक्षम बनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके लिए सड़कें, आपके लिए पानी, आपके लिए बिजली, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों भूल गए हैं, आप क्यों भूल गए हैं कि सरकारों को ये काम आपके लिए करना है। जब आपके सामने मंच पर आते हैं, बताना चाहिए क्या योजना बनाई है। 5 सालों में महंगाई बढ़ी है, रोजगार कम हुए हैं, जो गरीबी रेखा से उठाए गए थे कांग्रेस की सरकारों में, उनको नीचे डाल दिया है, नीचे चले गए हैं गरीबी रेखा से। कोई सेहत के, कोई शिक्षा के नए नए संस्थान नहीं बनाए। जितने IIT हैं, AIIMS हैं, IIM है, सब कुछ है, वो कांग्रेस के जमाने में बनाए थे। जो कांग्रेस ने बनाया ये बेच रहे हैं। BHEL, रेलवे, NTPC, इस तरह की जो संस्थाएं थी।